आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ कार्यालय में कैसे आरटीआई लगाएंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को शीघ्र मिलता रहे। आज हम लोग जानेंगे कि प्रधानमंत्री कार्यालय में आरटीआई कैसे लगाएंगे। तो आप लोग लिखेंगे, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली भारत सरकार 1100011। यह प्रधानमंत्री कार्यालय का पिन कोड है, पता है, आप लोग इस तरह लिखेंगे। अब अपना नाम लिखेंगे, पूरा पता लिख देंगे। मैंने यह आपत्ति के संबंध में एक आरटीआई एक शिकायत आवेदन पीएमओ कार्यालय को भेजा था, उसी के संबंध में मैंने आरटीआई लगा के जानकारी प्राप्त होने के लिए यह आवेदन किया था। आप लोगों को जो भी सूचना चाहिए या जो भी शिकायत आपने किए हैं उससे संबंधित, इस प्रकार पॉइंट टू पॉइंट आप लोग सूचना मांग सकते हैं। मैंने DCLR उदाकसुंगन मधेपुरा जिला के अपील वाद संख्या 9 में भ्रष्टाचार के कारण हुए गड़बड़ी की शिकायत करते हुए आपत्ति दर्ज करवाया था, उसी के संबंध में मैंने यह सूचना मांगा है। आप लोग भी इसी तरह जो भी जिस तरह की शिकायत आपने की होगी या जिस भी तरह की सूचना आप लोगों को चाहिए, यह पॉइंट टू पॉइंट आप लोग इसमें लिख लेंगे। इस प्रकार वहाँ भी 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दिया जाता है शुल्क के रूप में, या गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे के हैं वो बिना शुल्क के भी मांग सकते हैं। जिन्हें पोस्टल ऑर्डर नहीं मिल रहा हो तो वो डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेक या नॉन जुडिशियली स्टाम्प से भी शुल्क जमा करा सकते हैं या ऑनलाइन पेमेंट भी करवा सकते हैं। ऑनलाइन आरटीआई भी हो सकता है, इसलिए आप वहां से भी करवा सकते हैं। इस प्रकार लिखेंगे, या अपना हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर, अपना पूरा पता लिख देंगे, अपना जगह। अब यहाँ से मुझे देखिए, आप लोगों को मैं लिफाफा भी दिखा रहा हूँ, तो मुझे वहाँ से यह सूचना प्रदान की गई है स्पीड पोस्ट के द्वारा। यह है प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली, पता है, आप लोग देखें, यह स्पीड पोस्ट से मुझे मिला है। और क्या मिला है आप लोग भी इसे अवश्य देख लें, यह देख लीजिए। यह मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह मेरा नाम पूरा पता हुआ, यह सूचना उपलब्ध कराने हेतु यह मुझे दिया गया है, पूरा पता है। और क्या सूचना दी गई है यह भी आप लोग देख लें कि मैंने यह सूचना मांगा था और उसके द्वारा यह सूचना मुझे उपलब्ध कराया गया है। और वहां का कुछ लिंक भी दे दिया गया है जहाँ पर हम लोग सूचना हेतु इस लिंक को दबाकर या प्रेषित कर उसके संबंधित कुछ सूचना मांग सकते हैं। वहाँ का PIO का ये हस्ताक्षर और मोहर सहित है। तो इस प्रकार आप लोग भी PMO कार्यालय को अवश्य RTI लगाकर सूचना मांग सकते हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ हर प्रजा को, हर नागरिक को भारत के किसी भी कार्यालय से सूचना मांगने का अधिकार, मौलिक अधिकार मिला हुआ है। इसलिए आप सभी भी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने संबंधित कार्यालय से जहां से सूचना चाहते हैं अवश्य RTI लगाएं, जिससे भारत में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके और यहां भ्रष्टाचार में कमी आ सके। जय हिंद।